नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आपने देखना शुरू कर चुके हैं चैनल वन। आपको मैं बताऊं कि इस तरफ जो है बीजेपी ऑफिस है, देख सकते हैं, और इस तरफ जो है बीजेपी ऑफिस है और बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है कंटिन्यू यहां पे जो है धरना देते थे जितने भी जो यूथ यहाँ पर आते थे, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी डिमांड्स जो है पूरी करना चाहते थे, वो सभी लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन वहाँ पे जो है देख सकते हैं कि ताराबंदी वहाँ पे की गई है। अब लोग वहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है जम्मू कश्मीर के NYC के एम्प्लॉयज़ हैं और सभी यहाँ पर जो है कंटिन्यू लगातार एक हफ्ता होने वाला है ये यहाँ पर डिमांड्स जो है अपनी लेकर आए। आप देख सकते हैं कि जो है पीछे बैनर लगा हुआ है, बैनर के ऊपर जो है डिमांड्स जो है इनकी वहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से क्या क्या डिमांड्स जो है इनकी है, और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यार डिमांड्स इनकी थी, कितने लोग इनके पास आए। क्योंकि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि सियासी लोग यहाँ पर आते हैं, सपोर्ट करते हैं इनकी, क्योंकि बीजेपी के बाहर ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना लगाया, तो उम्मीद जो है वो बीजेपी से है क्योंकि बीजेपी सेंटर में है और उम्मीद बिल्कुल ये बीजेपी से रखते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आए। और बीजेपी के लोग भी यहाँ पर आए हैं, और क्योंकि बीजेपी तो बहुत अच्छे से लॉलीपॉप देना जानती है, तो कौन सा लॉलीपॉप जो है इस बार इनको दिया है और जो है क्या कुछ आगे जो है, क्या ये उस लॉलीपॉप को लेंगे इस बार या नहीं, क्योंकि उनको लॉलीपॉप देना बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से जो है वो लोगों को एडजस्ट करते हैं। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ पर लोग हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, महिलाएँ भी यहाँ पर हैं और पुरुष भी यहाँ पर है। सभी लोग यहाँ पर आके जो है एक बैनर के नीचे जो है खड़ा होकर जो है डिमांड कर रहे हैं और अपनी डिमांड्स जो है इस कड़ी धूप में, आप जानते हैं कि जम्मू के अंदर किस तरीके की तड़ाके की धूप है, और इस धूप के अंदर जो है ये डिमांड्स अपनी लेकर है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। और इनका नाम, आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला था कि दफ़ा 370 के बाद इनको जॉब मिलेगी, पर जॉब मिली पर इनकी 2500 सैलरी, 2500 में हमारी मम्मा हमारा स्कूल में फीस भरेगी। आज की डेट में सिलेंडर भी 1000 का प्लस है, मेरी मम्मा घर चलाएंगे या फिर मेरे स्कूल की फीस बनेंगे। हमारा मन करता है कहीं पे घूमने जाएं, कभी कुछ खाएं, पर जब भी फ्रेंड्स और हम इकट्ठे स्कूल के लिए निकलते हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा हूँ, हमें भी थोड़ी तकलीफ होती है। हम भी चाहते हैं कि अपने ड्रीम पूरे करें। हम भी चाहते हैं कि अगर हम अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते तो मम्मी पापा के पर हम कैसे करें, ना हमारे पास पैसे ना कुछ। 2500 सैलरी, 2500 से मेरी मम्मा क्या करेगी, घर चलाएगी या फिर स्कूल में फीस भरेगी? अली साहब, आप इस चीज़ का रिस्पॉन्स दो और हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इनको जॉब ऑल्स दो, परमानेंट करो और पे बढ़ाओ। देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे की हाथ जोड़कर जो है रिक्वेस्ट यही है कि इनकी जो मॉम है उनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए, उनको परमानेंट किया जाए। आपका क्या नाम है? वरिंदा। क्या नाम है? वरिंदा। वरिंदा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐसे घूमने आए हो कि मम्मा का सपोर्ट करने? मम्मा को सपोर्ट करने आए हो। तो यहाँ पे अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहोगे उनको कि मॉम यहाँ पे जो है धूप में, देखो आप इतनी धूप है, आप भी यहाँ पर आए हुए, तो क्या कहोगे? उनको जॉब पॉलिसी चाहिए। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पे महिलाएं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और कितने टाइम से आप यहाँ पे रहे, घर में क्या माहौल है, क्योंकि एक महिला के बिना जो है घर नहीं चलता, तो किस तरीके से जो है इन दिनों घर चल रहे हैं? सर, मेरा नाम स्मृति शर्मा है, मैं उधमपुर से आई हूँ। मेरा घर जो है कटरा में है और जॉब मेरी उधमपुर में है, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि मुझे रोज के जो अपनी ड्यूटी के लिए रोज़ का 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो मैं आपके माध्यम से बता रही हूँ, आपके लिए ये 6 दिन होंगे, हमारे लिए ये 12 साल हैं। ये 12 साल की धूप हमने सहन की है तो हम आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से हमें यही कहा जा रहा था कि आपकी आज सैलरी बढ़ाएंगे, आज आपको परमानेंट करेंगे, आज आपके लिए अच्छी पॉलिसी लाएंगे, तो हम 12 सालों से इसी अश्योरेंस पे बैठे रहे थे। आपको भी पता है कि हम भारतीय हैं, हमें बहुत पेशेंस है, पर 12 साल एक अरसा होता है, ज़िंदगी दे दी। ये बच्चे जो आपने कहा कि बीजेपी लॉलीपॉप, हाँ हम भी जब बच्चे थे तो हमें भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी थी तो लॉलीपॉप दिया था, ठीक है ना? तो हमने भी सोच लिया, हमने भी वो लॉलीपॉप खा लिया, क्योंकि हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, हम कॉलेज में थे, तो हमें
कॉलेजों से निकाल के तो कहा कि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भाई पढ़ा नहीं है, हम सब ने डिस्टेंस में आज अगर आप देखोगे 70-80% जो NYC हमारे भाई हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद कुछ बीच में PhD हैं, MPhil हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ा लिखा युवा है। तो अब हम जब थक हार के आज इस कंडीशन में बैठ के फिर हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा है, ना हमारे पास कोई जॉब पॉलिसी है। गवर्नमेंट कहती तो है, 12 सालों से कह रही है कि हम आपके लिए अच्छी जॉब पॉलिसी बनाएंगे, अच्छी जॉब पॉलिसी बनाएंगे। अब रही बात, हमारे पास कैबिनेट ऑर्डर्स हैं, दो कैबिनेट ऑर्डर्स हैं, SRO 520 के अंडर हमें 2017 से लगाया हुआ है, 2017 से लेके आज 5 साल तो हम हो गए SRO 520। अब हम गवर्नमेंट से यही आपके माध्यम से, मैं LG साहब से, क्योंकि BJP वाले कहते हैं कि LG प्रशासन है, LG साहब भी BJP के ही हैं क्योंकि सेंटर में BJP का गवर्नमेंट है, मैं LG साहब से यही कहती हूँ कि बहुत समय दे चुके हैं, अब हम और नहीं सहन होता है, तो प्लीज़ कोई अच्छी सी पॉलिसी लेके जल्दी से जल्दी आइए। प्लीज़ कोई लॉलीपॉप लेके मत आना अब हमारे पास कि हम आपके लिए कर देंगे। अगर आपने बोलना है कि हम 10 दिन में कर देंगे तो हम 10 दिन बैठने के लिए तैयार हैं, आपने बोलना हम 6 महीने में करेंगे, हम 6 महीने यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम 12 सालों से घरों से बाहर ही हैं, जिसके लिए हमें मात्र महीने का 2500 और एक दिन का 80 रुपये दिया जाता था। आपको पता है कि एक जो लेबर भी होता है वो भी आज का 600 रुपया लेता है, और हम भाई बहनों को मात्र 80 रुपये पर डे लिए दिए जाते थे, और जिसके लिए हमें डिफरेंट जो बड़े बड़े विभाग हैं जैसे कि एजुकेशन है, रेवेन्यू है, RDD है, उसमें लगाया जाता था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ फार फ्लांग एरियाज़ में ऐसे स्कूल्स हैं जिसको हमारे NYC भाई ही चला रहे हैं, वहाँ पर जो इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टीचर, मैं किसी एसोसिएशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, ठीक है ना, जो अगर लीव पे बैठे हैं वहाँ पे भी जो भाई बहन हमारे बैठे हैं उनकी कुछ मजबूरी होंगी, उन स्कूल्स को हमारे NYC भाई चला रहे हैं, RDD में हमारे भाई एज ए पंचायत सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ विभागों में जैसे क्लैरिकल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ मेडिकल में तो ऐसे जिनको 24 आवर्स 24x7 जॉब कर रहे हैं, और कितना करेंगे तब ये हमें बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब वॉलंटियर का जो वर्ड है ना, ये हमसे भी सहन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इतना कुछ करके फिर वही बात है कि घरों में क्या बोलेंगे कि हम 12 सालों से अपनी मन मर्जी किए जा रहे थे, वॉलेंटियरली सर्विस दे रहे थे। तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पे और भी लोग हैं, रविंदर रैना जी यहाँ पर आते हैं, खूब गाना बजाते हैं आपके साथ, तो उसके गाने के साथ साथ में और क्या कुछ कहा उन्होंने जो आपको लगता है कि नहीं जी हो जाएगा, उसी उम्मीद से यहाँ पर बैठे जनाब। यहाँ पर श्री रविंदर रैना जी आए थे कल भी आए थे, उनके साथ सुनील शर्मा जी भी थे, और आज सुबह रविंदर रैना सर जी फिर यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट से, LG प्रशासन से, कि आपका मसला विद इन डेज हल हो जाएगा। तो हमने उनको कहा कि हम तब तक यहीं पर बैठेंगे जब तक आप हमारा मसला, हमारी जॉब रेगुलाइजेशन हो जाएगी, जॉब रेगुलाइजेशन की पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछले 12 सालों से हम आश्वासन लेते रहे, टाइम टाइम पे जो हुकूमतें आई उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो चलो आज की डेट में अब यहाँ पे LG सरकार है तो इनडायरेक्टली भाजपा की सरकार है, क्योंकि LG सरकार जो है वो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर आती है, तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे अमित शाह जी हैं, 370 टूटने के बाद उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर के जवानों की, नौजवानों की सुनूंगा, तो मुझे तो ये सभी नौजवान दिखते हैं और उम्मीद है कि शायद हमारी सुनी जाएगी, इसी उम्मीद के सारे हम बैठे हैं, और आज तो 46 डिग्री है, अगर 56 भी हो जाएगी तो हम तब भी यहाँ पर बैठे रहेंगे, और 6 दिन की जगह अगर 6 महीने भी लगेंगे तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं तड़ाके की धूप तो है, धूप जो है बिल्कुल भी सहन करने वाली नहीं है, और इसमें छोटे छोटे बच्चे और ये सभी लोग यहाँ पर जो है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर आके जो है अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, बड़े सारे लोग जो है इस BJP ऑफिस के बाहर धरने दे चुके हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे उम्मीद टूट के वापस गए, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो आपको क्यों लगता है कि आपके लिए कुछ हो जाएगा और आपको उम्मीद है? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप बड़े दूर से आए हैं, जहाँ से हमें भी बिलोंग करता हूँ, इस जगह पर बैठने का हमारा कारण एक ही है, हम कोई इनके हमदर्द नहीं बैठे हैं, केवल और केवल इनकी सरकार जो है वो सत्ता में बैठी हुई दिल्ली में है, और दिल्ली में जो है हमारे राज्यपाल जो है होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं, जैसा मेरे भाई ने अभी बताया आपको, हम यही आशा लेकर, यही उम्मीदें लेकर यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर, हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ भाई साहब,
जैसे मेरी स्मृति बहन ने अभी आपके सामने रखी बात अपनी कि हम स्कूलों में जो है शिक्षक का काम करते हैं, हम वीडियो ऑफिस में जो है एज VLW का काम करते हैं, हम रेवेन्यू ऑफिस में एज क्लर्क का काम करते हैं, हमारे काम करने की शैली जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सर अभी LG सरकार जो को जो है बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये मेमो निकाला। उस मेमो के खिलाफ आज हम इस सड़क पर खड़े हुए हैं। वो जो मेमो निकाला है पिछले 3 महीने से उन्होंने हमको लटका के रखा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या आए, यही है। रही बात भाजपा कार्यालय की, तो हमारी अध्यक्ष जी से लगातार बात हो रही है और उन्होंने भी हमको आश्वासित किया है कि आपकी बात जो है लगातार जो है हर दिन 2 बार 4 बार जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होती है, मनोज सिन्हा जी से बात हो चुकी है। उसी आशा को लेकर, उसी विश्वास को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्मी आप सच बता रहे हैं कि भैया की बहुत सारी गर्मी हुई है। मेरे भाई ने बताया कि 46 नहीं 56 भी होगा तो हम हारने वाले नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे और अपने 12 साल का हिसाब आज ही इस जगह से जो है लेकर जाएंगे। तो देख सकते हैं आपके संघर्ष के लिए तैयार हैं और घर से जो है इसीलिए जो है निकले हैं घर से। आपका क्या नाम है और कहां से आप? सर मैं फिरदौस अहमद हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करता हूं सर। कश्मीर से हैं? जी सर। तो वहां पे तो अभी कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है, जिस तरीके से किलिंग्स हो रही है, यहां के टीचर्स जो है जो वहां पे एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जो है कह रहे हैं कि हमें जम्मू की ओर ट्रांसफ़र कर दो, तो किस तरीके से वहां पर जो है आप जॉब करते हैं और कैसे डर के माहौल में कैसे काम करते हैं? देखिए सर, आप जो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का क्वेश्चन है सर। बाकी हुकूक जो एम्प्लॉयज़ के हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, फंडामेंटल राइट सबका एक जैसा होता है। सेम इज़ द केस विथ वी पीपल, वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 6 डे, वाई वी हैव बीन फोर्स्ड टू कम ऑन द रोड्स, वाई वी हैव बीन फोर्स्ड टू कम अगेन एंड अगेन टू एजिटेट, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू अपील अगेन एंड अगेन, बिकॉज सर every time at every corner we are getting assurances. These type of hollow assurance doesn't give us anything to survive sir. Our families are serving, our life is full of miseries, full of sorrows. Our children are crying, we are crying. Why sir? Because we people are highly educated. We are highly qualified youth. These people are highly meritorious youth. These people are having the highest degrees. Then on the basis of our qualification, government should have to give us the safe future, secure future. We have no need to come on roads again and again, because sir we are serving the 14 government departments sir. I am working in education department as a teacher sir. I am sir a double PG, one in history and one in education sir. I am working there and teaching there man 2 or 3 subjects there. But sir if we are working, we are youth sir. Recently our honorable prime minister visited Jammu and here he raised the words that we will empower the youth of Jammu and Kashmir sir. Is this a empowerment of youth sir? Because sir youth is suffering sir. Aur hamare aadniye hamare jo honorable prime minister sahab hai unka ek slogan hai, sabka saath sabka vikas. Nahi to hamara vikas ho raha hai na to hamara koi saath de raha hai. Pichle 12 saalon se apni demands ko lekar idhar jate hain udhar jate hain, har taraf se assurance milti hai sir. हमारी जो एज है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी एश्योरेंस हमने सुनी है सर। इस एश्योरेंस के बीच हमारे बच्चे, कोई 10 साल का हो गया, कोई 12 साल का हो गया, कोई 8 साल का हो गया, पता ही नहीं चला कि इस एश्योरेंस की ज़िंदगी में हम कितनी मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारे सर। मैं 22 डिग्री या 24 डिग्री धूप से टेम्परेचर से निकल कर इस 40 डिग्री में आ गया सर, लेकिन हमने मन बनाया सर कि 56 के बजाय 65 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्वालिफाइड यूथ through your medium sir, I want to appeal our honorable prime minister sir, honorable LG sir, honorable chief secretary sir, kindly just clear cut, give us clear job policy, give us a handsome salary, because sir our life has become hell, just hell. Our life is full of misery sir. To hame in pareshaniyon se najat dilane ka ek hi wahid rasta hai ki hamare liye ek achhi si job policy banayi jaye aur hame ek achhi si salary di jaye, kyunki sir youth को एक पढ़े लिखे यूथ को शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है एक नेशन को
कि उनके पढ़े लिखे यूथ सड़कों पर आ जाए, वो डेमोन्स्ट्रेशन करे, वो एजिटेशन करे, क्योंकि सर एक डेवलप्ड नेशन की जो निशानी होती है वो उसका क्वालिफाइड यूथ होता है, बिकॉज यूथ इज़ ए नेशनल बिल्डर, बिकॉज सर दीज टाइप ऑफ मेमूज जस्ट डिस्ट्रॉय द नेशन, जस्ट डिस्ट्रॉय दीज यूथ्स सर, बिकॉज वी आर सर्विंग इन द डिपार्टमेंट्स टू अपलिफ्ट द नेशन, अपलिफ्ट द नेशन टुवर्ड्स द वेलफेयर, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, टुवर्ड्स द सक्सेस। थैंक यू सर। तो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो यही देख रहा होगा कि चलो कुछ ना कुछ इनके पास तो कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारे पास तो वो भी नहीं है। अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी है, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है अभी जम्मू कश्मीर में कोई बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड, इतनी ज़्यादा रेट्स जो है हमारी परसेंटेज जम्मू कश्मीर की आ गई है, और आपके पास तो फिर भी वो कमेंट ये करके करेंगे कि आपके पास फिर भी तो कुछ ना कुछ है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं ये बताता चलूँ कि हम 200 किलोमीटर दूर से आकर इस जगह पर बैठे हैं, इसी उम्मीद से कि जिस भाजपा कार्यालय के बाहर हम बैठे हैं, इन्हीं की सरकार दिल्ली में है, एलजी साहब इन्हीं के सिस्टम से यहाँ पर चलता है, यहाँ तक हमारी बात है। हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके उस वक़्त मेरिट बेसिस पे इन डिपार्टमेंट्स में आए थे। अगर उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी नहीं रखी होती कि इनको मेरिट बेसिस पे ना लगाया जाए, और आज यही गवर्नमेंट हमें कह रही कि ये वॉलंटियर है, उस वक्त एक एक पंचायत से ढाई ढाई तीन 300 फॉर्म्स लगे थे, उसमें से ये क्रीम चुनी गई थी और ये यूथ गवर्नमेंट में आया था। और उसके बाद आपने कहा कि जो बाहर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, वो मैं उनसे ये अपील करूँगा, इस वक्त आपका समय है, आप हमारा साथ दो, पहले इस यूथ को पूरी तरीके से एम्पावर करो, नहीं तो कहीं आप भी हमारी तरह कहीं रोड पर ना बैठे रहोगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चेतावनी भी है उन नेताओं को, उन सरकारों को, क्योंकि सरकार भी जो है यही चुनते हैं और सरकार भी यही बनाते हैं, तो चेतावनी भी दे दी है इन्होंने कि कहीं ना कहीं आज अगर हम रोड़ों पे बैठे हैं, आज अगर हम इस तपती धूप में जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी यही संघर्ष जो है करना पड़े। आपका नाम क्या और कहाँ से और क्या कहेंगे? मेरा नाम अहमद शहजाद भट्ट है, मैं बेसिकली ब्लॉक खरा डिस्ट्रिक्ट रोड से बिलोंग करता हूँ। जब से ये ऑर्डर निकला है तब से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। एक आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हमें पूरी उम्मीद है जब तक हमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट जो है अपना कंटिन्यू जारी रखेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जो लोग हैं वो लगभग 12 डिपार्टमेंट से काम करते हैं, डिफरेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट उनमें काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, लेकिन हमारी जो सैलरी है वो टोटल 2500 रुपये है। आज इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि 2500 रुपये में आजकल आता ही क्या है, एक टाइम की रोटी भी पूरी नहीं होती है। तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया और आप इस तरह, इसीलिए हम बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं कि गौर लगा कर बैठे हैं कि हमारा मसला हल हो जाए। और इंतजामिया में भी जो लोग हैं वो चाहे एलजी साहब हो या प्रशासन की सरकार हो, वो बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी से पूरी उम्मीद है कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, उसके बाद ही हम अपने प्रोटेस्ट को काल ऑफ करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद जो है इनकी वो जो है भाजपा से है, बीजेपी से है, इसीलिए जो है ये बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है ये धरना लगाए हुए हैं, और कंटिन्यू यहाँ पर आकर जो है आश्वासन इनको दिए जाते हैं कि आपका जो है आपकी डिमांड जो है मानी जाएगी। लेकिन अभी तक जो इन्होंने कहा कि हमें जब तक जो है हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे डिग्री जो है गर्मी की कोई भी हो, उस डिग्री से ज़रूर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर, स्टेट प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर NYC के, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ये जो है संघर्ष है कब तक रहेगा और कब आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, बात संघर्ष की हो, संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और इस बार हम ठान के आए हैं कि जब तक हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बेटर नहीं सोचा जाता, वन टाइम सॉल्यूशन नहीं किया जाता, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और रही बात कब आएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए था अभी तक, क्योंकि जहां बात यूथ की जाती है तो यूथ के लिए फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उतरना पड़ता है, यहां यूथ ही बैठा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे NYC के लिए रेगुलराइजेशन की पॉलिसी की जाए और सैलरी इन्हेंस की जाए, ताकि वो भी अपने फ्यूचर को सर्व, अपनी फैमिली को सर्व कर पाएँ। पॉलिटिकल लीडर्स तो हमने देखे यहाँ पर कि पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल्स कौन आए, कौन एडमिनिस्ट्रेशन से, कौन गवर्नमेंट से यहाँ पर आपके पास आया और आपकी जो है ये प्रॉब्लम्स या डिमांड जो है आपसे सुनी, आपसे बातचीत की?
अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। ब्यूरोक्रेसी लेवल पे हम यही चीज़ तो कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कि अभी तक उन्होंने आना चाहिए था, मगर अभी तक वो नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये बड़े शर्म की बात है कि हम यूथ की बात करते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी बहनें बच्चों को लेके किस तरीके से यहाँ बैठी हैं, या भाई कितने इस कड़कती धूप में यहाँ बैठे हैं। तो इनको चाहिए था कि यहाँ एसी के बंद कमरों से बाहर निकल के यूथ की आवाज़ सुनते और उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते। ट्विटर हैंडल्स पे हम देखते हैं कि सब अच्छा है, ये हो रहा है, जो है बहुत जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही में यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए यूथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, मगर जब आप यूथ को ही एक्सप्लॉइट करेंगे तो आप बताइए किस तरीके से जम्मू कश्मीर तरक्की कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उससे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ पाएगा, उससे जम्मू कश्मीर पीछे की तरफ धकेला जाएगा। इसलिए यूथ की कदर की जाए, उनके सेंटीमेंट्स की कदर की जाए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है। और मुझे लगता है कि इस टाइम उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई कंक्रीट डिसीज़न लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।